हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड से जो लोग शामिल होना चाहते हैं 2020 के बोर्ड एग्जाम में, उन सभी छात्रों के लिए यहां पे काफ़ी बड़ी अपडेट आया है दोस्तों। ताज़ा खबर बोल सकते हो, बड़ा फैसला लिया जा रहा है दोस्तों इस बार के बोर्ड एग्जामों में। ठीक है, परीक्षा से पहले जल्दी से देख लीजिए, वरना आप लोग पछता सकते हो और परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं दोस्तों। जो एनुअल एग्जाम होता है, वार्षिक परीक्षा फरवरी में, तो सेंटर परीक्षा यहाँ पर तिथि जारी हो चुका है दोस्तों। पूरी जानकारी से मैं आप लोग को बताऊँगा, तो बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो के साथ। ठीक है, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए। जो लोग नए हैं चैनल पे उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के जितने वीडियो लेकर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम को लेकर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बड़ी अपडेट है दोस्तों आप सभी के लिए। क्योंकि इस परीक्षा में अगर आप लोग किसी भी तरह से अगर असफल होते हैं या फिर नहीं शामिल होते हैं तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। तो यहाँ पे रूटीन भी जारी हो चुका है दोस्तों, तो बनी रहेगा इस वीडियो के साथ। ठीक है, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और उससे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि बिहार बोर्ड 2020 का मॉडल सेट पेपर 10वीं और 12वीं का सभी विषयों का अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों एप्लीकेशन के माध्यम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है जहाँ से आप लोग इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। 2020 का ऑफिशियल मॉडल पेपर का लिंक उसमें आ गया है, लेकिन जैसे ही बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा तो आप लोगों को सबसे पहले उसी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया और बना भी रहा है। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर चलिए न्यूज़ निकल कर आया, पढ़ लेते हैं, थोड़ा बता देते हैं आप सभी को। देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षाओं की जाँच परीक्षा यानी सेंटअप परीक्षा को ही जाँच परीक्षा बोलते हैं दोस्तों। जांच परीक्षा 6 नवंबर से आयोजित की जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जांच परीक्षा में, ठीक है, बोला जा रहा है कि जांच परीक्षा में सभी छात्र छात्राओं को शामिल होना अनिवार्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2020 की इंटर वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की जाँच परीक्षा 6 नवम्बर से यहाँ पे आयोजित कराई जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को रूटीन भी बताऊंगा। ये सभी जिलों में दोस्तों अलग अलग होता है, यानी कि आप लोगों का सेंटअप एग्ज़ाम जो है अब लिया जा रहा है दोस्तों। नवंबर के मंथ में ही लिया जाता है हर साल, ठीक है, और दिसंबर में आप सबका जो है दिसंबर सॉरी हाँ जनवरी में जो आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो भी एक्सटर्नल कॉलेज में, यानी आप लोगों के अगल बगल वाले कॉलेज में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जांच परीक्षा में सभी छात्र छात्राओं को शामिल होना जरूरी है। इस जांच परीक्षा में असफल होने वाले या फिर शामिल नहीं होने वाले स्टूडेंट्स को वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों डमी एडमिट कार्ड जारी किया गया है, इसके लिए आप लोगों को एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा सेंटर परीक्षा के लिए। आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए उसमें जारी किया जाएगा आप लोगों को, ठीक है, एडमिट कार्ड। देखिए, सभी परीक्षार्थी अपना अपना प्रवेश पत्र, परिचय पत्र और पंजीयन रसीद साथ लाएंगे, ठीक है, जो आप लोगों को डमी एडमिट कार्ड मिला है वो। उसके बाद परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा विभाग के काउंटर से प्रवेश पत्र, जो आप लोगों को जो यहाँ पे प्रवेश पत्र मिलेगा दोस्तों विद्यालय के लिए, ठीक है, यहाँ पर 21 से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। परीक्षा 6 से 16 नवम्बर तक दो पालियों में 10 बजे से 1 तक और 2 बजे से 5 बजे तक। जो लोग दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, 6, 7, 8, 9, फिर संडे को नहीं है, 10 को, फिर 11 को है, 13 को है, 14, 15, 16, ठीक है, 16 नवंबर तक है यहाँ पे प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। इसमें दोस्तों नंबर नहीं जुटता है, ठीक है, इसका बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं जुटता, लेकिन इसमें पास होना जरूरी है, यानी 100 में 30 नंबर आपको लाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग लेकर आइए दोस्तों 30 नंबर, ऐसे भी लेकर आ सकते हो आप लोग, इसका नंबर नहीं जुटता है लेकिन शामिल होना अनिवार्य है। ऐसा ना कि आप लोग भूल से भी इसमें शामिल नहीं हो, शामिल होना अनिवार्य है आप सभी के लिए, इसलिए परीक्षा को छोड़िएगा मत, नहीं तो आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, 6 नवम्बर को यहाँ पर, 7 नवम्बर, 8 नवम्बर, 9 नवम्बर, 11 नवम्बर आप लोगों के जिले वाइज यहाँ पर होगा दोस्तों, ठीक है, इसी मंथ के नवम्बर मंथ में ही। तो यहाँ पर मधुबनी जिला के लिए यहाँ पर 6 नवम्बर से स्टार्ट हो गया है दोस्तों, और इसका रूटीन भी आ चुका है। तो जैसे ही और दूसरे ज़िले का आता है दोस्तों और पूरे बिहार में, तो मैं आप लोगों को वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा कि हर छात्र को, ठीक है दोस्तों, परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। ठीक है, मॉडल सेट पर डाउनलोड कीजिए दोस्तों, जल्द ही अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर से 10 से 15 अक्टूबर के बीच में आप सबका मॉडल पेपर आ रहा है दोस्तों, दशहरा के ख़त्म होने के जस्ट, तो जैसे ही आएगा दोस्तों मैं आप लोग को बता ही दिया कि उस एप्लीकेशन में लिंक अपडेट हो जाएगा। जो लोग अभी एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए हैं दोस्तों, वो जाके प्ले स्टोर से या फिर अपडेट ऐप पे जाके क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं शाम तक ये
पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, अपडेट हो जाएगा, तो आप लोग को काफ़ी सारे मॉडल सेट पेपर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए बता दिया कि कोई भी छात्र भूल से भी इस परीक्षा को मत छोड़ना, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के मैथ्स और 11th और 12th के केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी वीडियो सॉल्यूशन पाइए डॉक्टर के व्हाट्सएप नंबर 8400400400 पर। किसी भी तरह का प्रश्न फोटो खींच के भेजिए दोस्तों, और वीडियो सॉल्यूशन पाइए 10 सेकंड के अंदर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।